बीजेपी ने विधानमंडल सत्र को लेकर बैठक कर विपक्ष को संतुष्ट और जवाब देने के लिए रणनीति बनाई। सभी विधायकों और मंत्रियों को मुद्दे पर पुख्ता जानकारी रखने को कहा है। विधान भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्वदलीय बैठक कर सहयोग मांगे हैं, इससे सकारात्मक मुद्दों पर आधिकारिक बहस की अपील की। ऐसा न होने पर भी योगी सरकार का प्लान बी तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा सचेतक मंडल के साथ बैठक किए, इसके बाद तत्काल ही भाजपा विधानमंडल की बैठक कर विपक्ष के सवालों को माकूल जवाब देने पर चर्चा हुई। इसमें विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति बनाई गई। हालांकि इस सदन में विपक्ष के तीखे तेवर रखने वाले सपा के नेता आजम खान नहीं होंगे। सपा भी विधानसभा और विधान परिषद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर रणनीति की है। सरकार को कानून व्यवस्था और गौ सेवा आयोग के कार्यशैली पर सीधे मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी की गई है। सपा ने विधानमंडल दल की बैठक पार्टी मुख्यालय पर बुलाई है, साथ ही निर्देश दिया है कि सभी सदन में उपस्थित रहें। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बैठक में सभी एमएलए और एमएलसी को मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। सर्वदलीय बैठक तो माननीय अध्यक्ष जी ने बुलाया था, और एक हर बार जब सदन चलने होता है कि किस तरह से विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा विषय आवे और संसदीय परंपराओं के अनुसार विधानसभा चले, नियमों के अनुसार चले, सभी दलों से सहयोग मांगने के लिए बुलाते हैं और उसी परिपेक्ष में उन्होंने बुलाया था। हम लोगों ने, विशेषकर बहुजन समाज पार्टी ने आश्वस्त किया है कि हम नियमों के अनुसार सदन चलाने में भरपूर सहयोग करेंगे और सरकार अपनी जवाबदेही भूमिका में सफलतापूर्वक उसका जवाब दे सके, ये विषय होते हैं किसी भी चीज़ के बैठक के। तो आज भी विधानमंडल दल की सदस्यों की बैठक हुई है, उसी पहले हम लोगों ने परिषद के सदस्यों की बैठक की है, नेता जो विपक्ष के हैं उनके साथ में बैठक हुई है और कल से हमारा सदन प्रारंभ होगा, दोनों विधानसभा विधान परिषद। मेरी ओर से अनुरोध किया गया है, मैंने अनुरोध किया है, फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता अपने अपने घरों में बैठकर आप सबके समाचार माध्यमों से सदन की कार्यवाही देखती है और उसकी अपेक्षा रहती है कि हमारे चुने गए प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की जन समस्याओं के लिए सदन में संवाद करें। किसी के पास भिन्न विचार होंगे, होते ही हैं, प्रत्येक दल का अपना विचार होता है, तो उस विचार के आधार पर बहस करें, लेकिन सदन की कार्यवाही में बाधा न हो, व्यवधान न हो, ऐसा उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है। तो हम लोगों को विश्वास है कि इस बार सदन ठीक से चलेगा। योगी ने आज मानसून सत्र शुरू होने से पहले कल सर्वदलीय बैठक की और इसके बाद उन्होंने विधानमंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उसके तुरंत बाद विधानमंडल दल के नेताओं के साथ बैठक की, जहां सर्वदलीय बैठक में उन्होंने सदन को सुचारू रूप से चलाने का संदेश दिया और कहा कि पक्ष विपक्ष सब साथ मिलकर तमाम लंबित पड़े बिल को पास कराने में सहयोग दें। वहीं बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठक में सीएम योगी ने विपक्ष के सवालों का कैसे जवाब दिया जाए उसको लेकर चर्चा की। सर्वदलीय बैठक की और आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, सदन चलाने के लिए सहयोग देने की अपील की है।